अपन इंस्टॉल करने जा रहे हैं सबसे पहले MinGW। अपन को कोड लाइट इंस्टॉल करने से पहले एक कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कोड लाइट तो केवल एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। उसके पहले अगर अपन कोई कंपाइलर इंस्टॉल नहीं करते तो अपना जो IDE है, जो कोड लाइट है, उसको कोड लिखा क्या है वो समझ नहीं पाएगा, उसको कंपाइल कर नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपन MinGW इंस्टॉल करते हैं। MinGW इंस्टॉल करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है MinGW-W64.org। इस पर जाएंगे, इसकी वेबसाइट कुछ इस तरह से खुलेगी। इस पर आपको सीधे डाउनलोड सेक्शन पर जाना है। डाउनलोड सेक्शन पर जाने के बाद नीचे अपन स्क्रॉल करेंगे, नीचे लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आएगा G++ का, W64 Builds। ये विंडोज 10 के लिए है ना, हमें यही ऑप्शन चाहिए, MinGW-W64 Builds। ये विंडोज 10 के लिए है और ये लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है C, C++, Fortran। ये तीनों लैंग्वेजेस ये G++ कंपाइलर सपोर्ट करता है, इसलिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम इसी को इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, तो अपन इसके नाम पे डबल क्लिक करेंगे, ये पेज आएगा। अपन इस पर इंस्टॉलेशन, जहाँ पर लिखा इंस्टॉलेशन सोर्स फोर्ज, अपन सोर्स फोर्ज पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे लिखा है योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, तो ये काउंट डाउन के बाद डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आपको इसको अलाउ करना पड़ेगा फाइल को, और ये जो सेटअप है ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो हमारी फाइल अब डाउनलोड हो चुकी है, अपन खोलते हैं इसको, डाउनलोड्स में जाते हैं। ये दिखा रहा है कंप्लीट हो गया डाउनलोड। अपन ये जो फाइल का नेम है इसी पे डबल क्लिक करते हैं तो यहीं से सेटअप खुल जाएगा। अपन को इसको परमिशन देनी पड़ेगी, आई मीन एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मुझे अलाउ करना पड़ेगा, तो जो भी ये परमिशन मांगेगा आप अलाउ कर दीजिए। ओके, तो ऐसी स्क्रीन आएगी ये, वेलकम टू द MinGW गेटिंग रिपोजिटरी डिस्क्रिप्शन फाइल। अब इसमें ये जो है वर्जन आपको सारे दिखा रहा है, आपको लेटेस्ट वर्जन ही चाहिए, इसलिए 8.1 ही सिलेक्ट कीजिए। आर्किटेक्चर का यहाँ पे ये रोल है कि i686, अगर आपका सिस्टम डिपेंड करता है अगर 32 बिट है या 64 बिट है। अगर 32 बिट है तो i686 ही रहने दीजिए, लेकिन अगर 64 बिट है तो आपको x86_64 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा 64 बिट है इसलिए मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, बाकी सारे ऑप्शन सेम रहेंगे। ओके, नेक्स्ट कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन फोल्डर आपको जो भी पाथ चाहिए वो आप अपने से टाइप कर लो, और शॉर्टकट देख लो स्टार्ट मेन्यू में चाहिए या नहीं चाहिए, बस। ओके, सो अब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब अपन को बस कंफर्म करना है और पाथ डिफाइन करना है MinGW का। तो अपन कंट्रोल पैनल खोलेंगे, कंट्रोल पैनल के सर्च बार में, जो सर्च बार है इसमें अपन को टाइप करना है ENV। ENV मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के जो ऑप्शन आ रहा है एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इसको अपन क्लिक करेंगे। ओके, फिर जो सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं इसमें जो नीचे ऑप्शन आ रहा है राइट साइड में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, अपन इसको क्लिक करेंगे। जो नीचे ऑप्शन आ रहा है सिस्टम वेरिएबल्स, इसमें ये जो पाथ लिखा है लेफ्ट साइड में, अपन पाथ पे क्लिक करेंगे और अपन को पाथ एडिट करना है, इसलिए अपन एडिट करेंगे और न्यू पे जाएंगे, क्योंकि अपन को न्यू पाथ डिक्लेयर करना है। फिर ब्राउज़ करेंगे, और ब्राउज़ करके जहाँ पे भी अपन ने MinGW इंस्टॉल किया अपन बस वही फोल्डर खोल देंगे। जैसे मैंने विंडोज सी में इंस्टॉल किया, विंडोज सी में MinGW में मैं जाऊँगा, फिर जो सब फोल्डर है MinGW का बिन, अपन को बस यही चाहिए, क्योंकि ये जो बिन फोल्डर है इसी में सारी बाइनरी फाइल्स होती हैं और सारे एग्जीक्यूटेबल्स होते हैं। सब केवल बाइनरी फाइल्स और एग्जीक्यूटेबल के ही काम किए हैं ये पाथ। तो अपन इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ ऐसी फाइल आएगी, अपन इसको मूव अप कर देंगे। अपन को जितनी भी सिस्टम 32 की फाइल्स हैं उसके जस्ट नीचे चाहिए बाइनरी फाइल, तो अपन इसको ये जो राइट साइड में ऑप्शन आ रहा है मूव अप का, ये अपन इसको मूव अप कर देंगे इसके क्लिक करने से। ओके, फाइन, परफेक्ट, बस अपन सब क्लोज कर देंगे। अब अपन को कन्फर्म करना है कि ये जो अपन ने अभी पाथ डिक्लेयर किया ये अच्छे से हो गया डिक्लेयर, करेक्टली हुआ है डिक्लेयर कि नहीं हुआ। तो अपन कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे अपन G++-version। तो जब अपन ये टाइप करेंगे
तो अगर ऐसा कुछ लिखा आता है, ये जी प्लस प्लस के जो वर्जन की डिटेल्स है ये लिखी आती है, मतलब कि करेक्टली इंस्टॉल हुआ है। और अगर ऐसा ना लिखा हो कि ऐसा कुछ लिखा गया कि दिस इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, मतलब कि आपने जो एनवायरनमेंट वेरिएबल डिक्लेयर किए उसी में कोई प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वो सेट नहीं कर पा रहा, तो अपन वीडियो रिवाइंड करेंगे और थोड़ा और उससे देखेंगे, मतलब केयरफुली पाथ डिक्लेयर करेंगे। ओके तो अब अपन ओके कोड लाइट अब अपन इंस्टॉल कोड करने लाइट जा रहे इंस्टॉल हैं। करेंगे। कोड लाइट कोड लाइट इंस्टॉल करने इंस्टॉल के करने लिए के लिए सबसे सबसे पहले पहले अपन अपन कोड लाइट कोड की लाइट की ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट वेबसाइट पे पे जाएंगे, जाएंगे, कोड लाइट डॉट ओ आर जी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होगी। इसमें बहुत बड़ी ग्रीन कलर की बटन आएगी डाउनलोड करने की, डाउनलोड कोड लाइट 14th वर्जन। अपन को यही वर्जन चाहिए, यही लेटेस्ट वर्जन है करेंटली, तो अपन सिंपली इसी डाउनलोड बटन को क्लिक कर देंगे। ओके अब अपन को अभी पे नहीं करना, अपन को बस फ्री वर्जन ही चाहिए। तो अपन ये सारे पेमेंट रिलेटेड ऑप्शंस पे ध्यान ना देके जो नीचे बॉटम राइट में ऑप्शन आ रहा है नॉट नाउ टेक मी टू द डाउनलोड, अपन इस पर क्लिक करेंगे। नॉट नाउ टेक मी टू द डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे अपन, तो इन सारे पेमेंट वाले ऑप्शन से अपन हट के सिंपल नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब इस पेज पे सारे डिफरेंट वर्जन्स दिखा रहा है कोड लाइट के, जितने भी स्टेबल रिलीज है, जितने भी वीकली बिल्ड है। वीकली बिल्ड मतलब जो अभी करंटली लेटेस्ट है, इनमें कुछ बग्स हो सकते हैं, इसलिए अपन स्टेबल रिलीज ही प्रेफर करेंगे। और स्टेबल रिलीज में सबसे लेटेस्ट अभी करंटली यही वर्जन है जो सबसे टॉप पे है। तो अपन क्योंकि अपना सिस्टम 64 बिट है तो इसको सिलेक्ट कर देंगे और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी छोटी फाइल है, आप देख सकते हैं 33 MB का कम ये कोड लाइट, तो काफ़ी इजी है डाउनलोड करने, इसको कोई भी कर सकता है, सिंपली डाउनलोड हो जाएगा ये अभी तुरंत। हमारा कोड लाइट अब कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है। अब अपन को क्या करना है, अपन सीधे डाउनलोड सेक्शन पे जाएंगे। अपनी फाइल कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुकी है, अपन यहीं पे अगर इसको डबल क्लिक करते हैं तो इसका कोड लाइट का सेटअप ओपन होगा। अब सेटअप ओपन होगा तो अपन इसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अपन को इसको परमिट करना पड़ेगा। तो जो भी पॉपअप्स आएंगे आप इसको अलाउ कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा जितने पॉपअप्स आएंगे। और ये जो एग्रीमेंट मांग रहा है, लाइसेंस एग्रीमेंट, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। आई एम गोना एक्सेप्ट एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं। और मैं आई वुड सजेस्ट कि आप इसका नेम चेंज मत करिए, क्योंकि अगर नेम चेंज करेंगे तो फ्यूचर में जो आप CPP फाइल सेव करेंगे वो उसमें आप ही को थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो जितने भी नेम आ रहे हैं आप इसको मतलब कस्टमाइज़ मत करिए, एज इट इज़ रहने दीजिए। ओके और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डेस्कटॉप और क्विक लॉन्च शॉर्टकट का, अगर आपको चाहिए तो क्लिक कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए तो मैं हटा रहा हूँ, और सिंपली इंस्टॉल कर दीजिए। ये कोड लाइट आपका इंस्टॉल हुए जा रहा है, बस कोड लाइट आपका कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया। अपन अभी लॉन्च नहीं कर रहे कोड लाइट, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन समझेंगे कि कोड लाइट को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अभी जो अपन प्रोग्राम लिखेंगे वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है वो अभी अपन ने सेट की नहीं है, अभी अप्लाई की नहीं है। अपनी जो यूज़र डिफाइंड, अपनी जो कस्टम सेटिंग्स है वो अपन अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपन पूरा समझेंगे कोड लाइट का इंटरफेस कैसे काम करता है, क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, कैसे उसकी कमांड लाइन इंटरफेस को अपन यूज़ कर सकते हैं, है ना, पूरा डिटेल समझेंगे अपन, कन्फिगर करना समझेंगे। ओके सो स्टे ट्यून्ड। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।